इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर कृषि उपज मंडी में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। दूसरी ओर किसानों को गेहूं की उपज का उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा, जिससे अधिकांश किसान समर्थन मूल्य की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वहीं कुछ किसान समर्थन मूल्य में समय पर पंजीयन नहीं होने के कारण मंडी में कम दामों पर अपनी उपज को बेचने पर मजबूर हैं। प्रदेश के मालवा अंचल में गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में किसान अपनी उपज कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। किसानों का ये भी कहना है कि पिछले साल किसानों को गेहूं उपज का दाम 2000 से लेकर 3000 रुपए तक मिला, मगर इस साल किसानों को अपनी उपज का दाम लागत के अनुरूप नहीं मिल रहा। कुछ किसानों ने ये भी कहा कि सोसाइटी में पैसा देर से पहुंचता है और मंडी में बेचने पर उन्हें पैसा हाथों हाथ मिल जाता है, जिससे वो अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। वहीं किसानों ने सरकार से गेहूं की उपज का दाम 2500 से 3000 रुपए करने की मांग की है। और में गेहूं की आवक जो है इन दिनों बंपर आवक है, और ऐसे में यहां पर किसानों की जो दाम, जो फसल का जो दाम है वो उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि पिछले साल जो गेहूं के दाम है वो करीब 2800 से लेकर 3000 तक बिके थे, मगर इन दिनों गेहूं के जो दाम है वो करीब 1900 से लेकर 2100 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सी क्वालिटी अगर देखी जाए तो 2300 रुपये तक यहाँ पर किसानों के जो उपज का जो गेहूँ का जो दाम है वो किसान मिल रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि पिछली बार जो गेहूँ के जो दाम थे उन दामों से उनकी जो पूर्ति वो हो जाती थी, मगर इस बार जो वर्तमान में जो दाम चल रहे हैं उन दामों से किसानों की पूर्ति नहीं होती है। बात की जाए समर्थन मूल्य की, तो समर्थन मूल्य की तरफ जो किसानों का रुख कम होता है इसलिए नजर आ रहा है, क्योंकि पंजीयन जो तारीख होती थी वो तारीख जो है समय से पहले निकल जाती थी, किसान अपना पंजीयन वहाँ पर समय पर नहीं करा पा रहे थे। इस वजह से अब किसानों को जो मजबूरी में मंडी की ओर रुख करना पड़ रहा है, और वहीं किसानों का कहना है कि जो मंडी के अंदर जो दाम है वो दाम सरकार से उनका कहना है कि जो दाम है वो दाम को एक फिक्स निर्धारित दाम दिया जाए, 3000 तक उनका दाम होना चाहिए ताकि किसानों की उपज का जो दाम उनको बराबर मिल सके। कमलेश मोदी, INET News, मंदसौर।